गाइस, हाउ आर यू ऑल, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी मुरुगन आर्गन शैम्पू एंड कंडीशनर फ्रॉम सेंट बॉटनिका। ये है पैकेजिंग ऑफ मुरुगन आर्गन शैम्पू बाय सेंट बॉटनिका और ये कुछ इस तरह से दिखता है। यू हैव अ पंप डिस्पेंसर, सो इट्स रियली वेरी हाइजीनिक और इसमें लॉक अनलॉक फैसिलिटी है जो आप ईजिली कर सकते हो। इट्स लाइक जस्ट like this and this, so you don't have to press and turn it, so it's very easy. इसकी जो shelf life है वो है 2 साल की, लेकिन open करने के बाद आपको इसको ख़त्म करना है 1 साल में। और बाकी सारे details, ingredient list और कैसे use करना है, ये सारे details यहाँ पर लिखे हुए हैं। देखते हैं इस shampoo की consistency, color and fragrance। तो आप देख सकते हो ये कुछ इस तरह से runny सा है, white color का है और बहुत ही mild सी इसकी खुशबू है जो बहुत रिफ्रेशिंग है और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बिल्कुल नहीं है। तो सबसे पहली बात इसमें है एलमंड ऑयल। एलमंड ऑयल विटामिन ई से भरा पड़ा होता है और वो आपके स्काल्प को और आपके बालों को मॉइस्चराइज करता है, कंडीशनिंग इफ़ेक्ट देता है। दूसरी चीज़ इसमें है सिल्क प्रोटीन जो इम्प्रूव करती है हेयर इलास्टिसिटी एंड इट हाइड्रेट्स हेयर। तीसरी चीज़ है जिंको बिलोबा ऑयल, इट एक्चुअली इम्प्रूव्स योर मेमोरी एंड ऑल्सो पॉजिटिव मूड। इट ऑल्सो ऑफकोर्स हैज़ ऑर्गेनिक मोरक्कन आर्गन ऑयल विच हेल्प्स टू मेक हेयर सॉफ्टर, सिल्कियर एंड शाइनियर। दो चीज़ें बची हैं, जल्दी से बता देती हूँ। इसमें है ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट जो आपके बालों को स्ट्रेंथनिंग इफ़ेक्ट देती है, और इसमें प्योर इसेंशियल ऑयल्स हैं जैसे जोजोबा ऑयल, रोजमेरी ऑयल, जस्मीन ऑयल। सो लॉट ऑफ प्योर इसेंशियल ऑयल्स आर देयर, तो इट्स लाइक अ पावर पैक्ड शैम्पू। इसमें क्या क्या है वो तो मैंने आपको बता दिया, अब बता देती हूँ कि इसमें क्या क्या नहीं है। तो इसमें कोई हार्मफुल केमिकल्स नहीं है, मिनरल ऑयल्स होते हैं वो भी नहीं है, और इसमें पैराबेंस भी नहीं है, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो सारे लोग ढूंढते हैं, सल्फेट फ्री शैम्पू है ये। तो ये है मुरुगन आर्गन कंडीशनर फ्रॉम सेंट बॉटनिका और सिमिलर पैकेजिंग है जैसे शैम्पू था। ये है कंडीशनर की कंसिस्टेंसी, वाइट कलर है और थोड़ा सा क्रीमी सा है जैसे यूजुअली कंडीशनर होता है, और कंडीशनर की जो खुशबू है वो शैम्पू से थोड़ी और माइल्ड है, तो ये आपको बिल्कुल भी इरिटेट नहीं करेगा। बट दोनों की जो फ्रेग्रेंस है वो काफ़ी रिफ्रेशिंग है और अच्छा लगेगा आपको यूज़ करने के बाद। तो जैसे मैंने कहा, ये काफ़ी स्मूथ और अच्छा टेक्सचर है इसका। कंडीशनर के इंग्रेडिएंट्स में एवोकाडो ऑयल है, वीट प्रोटीन है, सिल्क प्रोटीन है, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल है, विटामिन B5 एंड मोरक्कन आर्गन ऑयल, ये सारी चीज़ें हैं। और शैम्पू की तरह कंडीशनर में भी पैराबेन, सल्फेट, मिनरल ऑयल्स या हार्मफुल केमिकल्स नहीं हैं। और एक अच्छी बात बताऊँ आपको, ये शैम्पू और कंडीशनर दोनों आप यूज़ कर सकते हो अगर आप बालों को कलर करते हो। सो इफ़ यू हैव कलर ट्रीटेड हेयर, डू नॉट वरी, यू कैन यूज़ दिस शैम्पू। और जो मुझे बहुत अच्छा लगा, बिकॉज आई यूजुअली कलर माई हेयर, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं लगा ये रेंज यूज़ करने में, और ये डेली भी यूज़ करने के लिए सेफ़ है ऐसा इनका कहना है। कैसे यूज़ करना है इसको, तो आप यूजुअली अगर डायरेक्ट शैम्पू करना चाहते हो तो भी कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि ये शैम्पू आपको फिर भी हार्श लग रहा है या ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है, तो आप इसको डाइल्यूट करके यूज़ कर सकते हो। मैं इसको डायरेक्टली लगाती हूँ बिकॉज आई डोंट फील एनी हार्शनेस और स्ट्रॉन्गनेस, तो मैं इसको डायरेक्टली यूज़ कर देती हूँ, मतलब लाइक हाथ पे लेके जस्ट मसाज इट डायरेक्टली, आई डोंट डाइल्यूट इट विथ वाटर। और कंडीशनर इन्होंने कहा है कि आप इसको स्काल्प पे भी लगा सकते हो। आई डोंट डायरेक्टली अप्लाई टू स्काल्प, बट थोड़ा सा यहाँ पे भी मसाज कर लेती हूँ ताकि यहाँ के जो मेरे बेबी हेयर है तो वो खड़े रह जाते हैं, मतलब हेयर वॉश के बाद, तो वो थोड़ा सा ठीक करने के लिए मैं यहाँ तक थोड़ा सा कंडीशनर लगा लेती हूँ, तो दैट्स द गुड थिंग। डायरेक्ट स्काल्प को कंडीशनर लगाऊंगी तो मेरे इमीडिएटली बाल ऑयली ज़्यादा लगते हैं, तो मैंने वो अवॉइड किया है, बट यू कैन डू इट इफ़ यू वांट टू यूज़ इट ऑन द स्काल्प ऑल्सो। और इसको लगाने के बाद आपको लगेगा पहले पहले कि ये ज़्यादा लैदरअप नहीं होता है, क्योंकि आप यूजुअली अगर सल्फेट वाले शैम्पूज यूज़ करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा झाग होता है। ऐसा नहीं है कि इसमें बिल्कुल भी झाग नहीं होता है, आई थिंक इट्स
ऑन मीडियम साइड, मतलब बहुत कम भी नहीं और बहुत ज़्यादा भी नहीं, इट लैदर्स अप ऑन मॉडरेट लेवल. तो मुझे इससे कोई इतनी परेशानी नहीं हुई, बट अगर मैंने बालों को ऑयल लगाया हुआ है तो मुझे दो बार शैम्पू करना पड़ा, एक बार में ऑयल नहीं गया. ओवरऑल अगर मुझे इस शैम्पू के बारे में कहना है तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी, मैं यही कहूँगी कि मैंने आज ये शैम्पू लगाया है, मैंने स्मूदनिंग करवाया था 4-5 months बिफोर एंड इसने मुझे अच्छा इफ़ेक्ट दिया है, मतलब वेवी नहीं हुए हैं मेरे बाल स्मूथ लग रहे हैं, आप देख सकते हो. इट हैज़ गिवन मी गुड शाइन, कंडीशनर इज़ गुड क्योंकि वो शाइनिंग इफ़ेक्ट देता है. ये बात पसंद आई कि मुझे वो स्मूथनेस इस सल्फेट फ्री शैम्पू से मिला, क्योंकि काफ़ी सारे सल्फेट फ्री शैम्पू ऐसे होते हैं कि I don't know, you don't feel like using it somehow because it doesn't lather up or it doesn't give you that moisturization, hydration या softness. लेकिन इससे मुझे वो लगा, so I really liked it और मेरे बाल इतने अच्छे, मतलब आज मैंने इस शैम्पू को जानबूझ के यूज़ किया है ताकि मैं आपको इफ़ेक्ट दिखा सकूँ कि किस तरह से मेरे बाल सॉफ्ट एंड शाइनी लग रहे हैं. सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स एंड इट्स रियली गुड बिकॉज क्लीनिंग भी अच्छे से कर देता है, काफ़ी क्लीन लगते हैं बाल. और जहाँ तक मेरे हेयर टाइप की बात है, आई हैव ऑयली स्काल्प जैसे मैंने कहा, और मेरे बाल मतलब एंड्स में थोड़े से नॉर्मल टू ड्राई है, तो समटाइम्स इट फील्स सो ड्राई, समटाइम्स इट फील्स लाइक ओके नॉर्मल काइंड ऑफ. तो ये मेरा हेयर टाइप है और मुझे ऑयली स्काल्प होने के बावजूद मोरक्कन आर्गन ऑयल वाला शैम्पू यूज़ करने में कोई प्रॉब्लम नहीं लगा. मतलब ऐसा नहीं है कि ऑयली स्काल्प को ज़्यादा ऑयली बना देगा बिकॉज इट हैज़ मोरक्कन आर्गन ऑयल, नो, इट वर्कड प्रिटी वेल. और अगर आपके बाल नॉर्मल टू ड्राई है तो भी ये आपको अच्छे से सूट होगा, ऐसे मुझे लगता है. तो शैम्पू इज़ वन पार्ट ऑफ योर हेयर केयर रूटीन, तो आपको उसके साथ काफ़ी सारी चीज़ें फॉलो करनी होती है तब जाके आपको हेल्दी हेयर मिलता है. बट बिकॉज दिस इज़ वन ऑफ द थिंग, यू हैव टू चूज़ योर शैम्पू अकॉर्डिंगली. सो या दैट्स माई टेक अबाउट दिस शैम्पू एंड कंडीशनर. आई होप यू हैव लाइक्ड माई रिव्यू. इफ़ येस, please subscribe to my channel, like and share this video with your friends and keep connected with me. Tell me what do you want to see more and talk to me more so that I will come to know about your expectations and yeah. So take care of yourself. I'll see you in my next video. Till that time, take care of yourself. Bye.